नमस्कार। आज की कक्षा में जो प्रश्न हमने चुना है वो ये है, यदि x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 तथा x y इक्वल टू 1, तो x प्लस y का मान है और ऑप्शन दिया हुआ है 7, 14, 4 और 3। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया हुआ है x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक चीज दिया हुआ है x y इक्वल टू 1। तो x y इक्वल टू 1, इसका अर्थ यह है y इक्वल टू 1 बाय x, है ना। तो x का तो यहां ये वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर में अंश में है वो हर चला में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसलिए x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का वैल्यू रखते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जिस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं ठीक उसी तरह से यहां करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। दूसरा आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और एक तीसरा आइडेंटिटी है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो पहला आप देख रहे हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, तो ये पहले वाले आइडेंटिटी के से मेल खा रहा है, तो हम इसको इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दूसरा जो है इसको हम ये दूसरे वाले आइडेंटिटी के अनुसार हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा इस तीसरे आइडेंटिटी के अनुसार है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। अब यहां एक चीज देखिए आप, ये माइनस है 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस में वही चीज है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो है 2 स्क्वायर ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो हो रहा है, तो ये रेडिकल और ये स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक इसी तरह से यहां भी होगा 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 14।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स।